नमस्ते दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी। कैसे हैं आप? तो शुरू करते हैं जड भाई से। जड भाई या तो बहुत सीधे हैं या बहुत ही बड़े एक्टर हैं। जिस हिसाब से वो दिखा रहे थे कि सबको खाना नहीं मिल रहा या ये नहीं मिल रहा, तो पहली बात तो भाई, अगर सबको एक सा खाना मिलने लगेगा तो फिर ऐसे जो टास्क होंगे जो खाने के बेस पे होंगे कि किसे प्रीमियम मिलेगा किसे नॉर्मल मिलेगा, तो वो कौन करेगा? कोई अपनी मेहनत करेगा? उन्हें पता है कि भाई सबको ही मिलना है, तो कौन करेगा? फिर वो ऊपर चले जाते हैं, वहाँ अपना बता रहे होते हैं। जैसे वो पिछली बार भी बता रहे थे कि मैं गार्बेज में से खाना खाता था और मुझे खाना नहीं मिलता था। भाई अगर आपको सच में खाना नहीं मिलता ना, तो आप खाना बीच में छोड़ के नहीं जाते, उस खाने को पूरी तरह फिनिश करके जाते। ऐसे लग रहा था जैसे आकांक्षा की आत्मा जेड भाई में आ गई। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, तो आकांक्षा जी भी बाद में जिया के पास जाकर और इनके लिए सलाह दे रही थी कि ये अभी से ऐसे करेगा तो फिर आगे कैसे झेल पाएगा इतने हैं। थोड़े दिन पहले आकांक्षा जी आप भी यही कर रही थी। फिर भूलने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आलिया जी अपना कुछ सामान बाथरूम में भूल गई, जिसके बाद पूजा जी देविका से पूछ रही थी कि ये सामान आपका तो नहीं है। पर देविका जिस हिसाब से रिप्लाई कर रही थी, तो उस पर पूजा जी की बात करने में भी इरिटेशन तो दिखाई दे रही थी। इरिटेट पूजा जी भी हो रही थी, पर वो अब कुछ कह नहीं सकती क्योंकि भैया उन्होंने इतना आगे बढ़ाया, उतने सपोर्ट कर करके वो जब दूसरों पे करती थी तो वो खुश रोती थी, मतलब थी कि अरे कुछ नहीं, ये उसको हमेशा ध्यान ही नहीं देती थी, उस पर रोकती नहीं थी। और अब जब खुद पे हुआ तो वो कुछ कह तो सकती नहीं थी, तो वो वाला सिस्टम हो गया कि भैया खून के घूट पीना ऐसा हो रहा था कि वो अपने आप, उनकी आवाज़ से तो लग रहा था कि वो इरिटेट हो रही हैं, पर बस कह क्या सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये पूरा वो आता है, बाहर पहुंचते हैं अपने, तो उसके बाद आलिया जी को पता लगता है, वो वहाँ से साफ सफाई कर देती हैं। तभी थोड़ी देर में एक घंटी बजती है इविक्शन की। ये बाकी चारों बैठी थे बात करने, कुछ बोलना चाह रही थी पूजा जी, पर इतने में इविक्शन की घंटी बज जाती है। तो जिसमें पता लगता है कि बिग बॉस फिर से जनता के कंधे पर बंदूक रखकर फिर से उन्होंने अपना एक खिलाड़ी निकाल दिया। वैसे जब से आलिया जी और आकांक्षा, इसके पीछे तो ऐसा लग रहा था कि इनके पीछे बिग बॉस पड़े हुए हैं कि सिर्फ बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया। कभी किसी बात पर स्टार्टिंग से स्टेज पे पहले इन दोनों को अलग बिठा दिया, फिर जब आए तो कभी कुछ ऐसे करते हुए उन्हें बेइज्जती कर रहे थे कि आपको बाहर की बात नहीं करनी, बाकी सब बाहर की बात कर सकते हैं, बाकी सब इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बिग बॉस इंग्लिश में बात करने के लिए किसी को टोकते तक नहीं है। पर चलो, उन्होंने जनता का कंधों पर बंदूक रखते हुए आलिया जी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो चाह नहीं रहे थे कि आलिया जी कभी कुछ बाहर की ना बोल दे, क्योंकि उनके जुड़े हुए लोग भी निशाने पर आ सकते थे। फिर आलिया जी को छोड़ने की बात हुई, सब चल दिए छोड़ने पर। जो अपने सभ्य मानते हैं अपने को और दूसरों की परवरिश पर बातें करते हैं, दूसरों के माता पिता पर जाते हैं, वह लोग भी पूरी वो अलग रही, वो आलिया जी तो छोड़ने तक नहीं गई। नहीं तो हमने पिछले बिग बॉस के सीजन भी देखे कि आपस में लड़ाई भी रहती थी, पर जब भी कोई घर से बेघर होता था तो सब आकर मिलकर मतलब उसे विदाई भेजते थे कि मिल लेते, सब अपना एक जेस्चर, अच्छा सा जेस्चर देते थे। पर आज तो वो मतलब फिर भी साइरस जी आए और उन्होंने हाथ मिलाया, तो उन्होंने चलो कम से कम एक लोबी में से वो तो आए, नहीं तो बाकी सब अपने अंदर बैठे थे। और देवी का तो ताली बजा रही है कोई, मतलब वो सबके अलग अलग रूप देखने को मिल रहे थे। फिर उसके बाद चले जाते हैं, तो फिर अभिषेक आता है जिया और आकांक्षा के पास। तो अभिषेक कहता है कि भाई अब तो तुम दोनों निशाना हो, तो उनकी बातें होने लगती हैं, वो कहने लगती हैं हाँ वो सात हो, वो कई सारे हो गए, हम तीन हैं, ऐसे करके वो बात कर रहे थे। तो उसमें सब उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, मतलब अपनी भी बात रख रहे थे और एग्री करते थे, मतलब कुल मिला के बात यह कि अभिषेक से एग्री करते थे वो उस मामले को लेकर। तो तुरंत बाद फिर भैया बिग बॉस बोलते हैं, सबको बुला लेते हैं और अपनी बात रखते हैं कि उल्लंघन हुआ है और अब नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन में अभिषेक, आकांक्षा और जिया तीनों को इसलिए नॉमिनेट कर दिया जाता कि वो बात कर रहे थे, पर वो बात उनको ऐसे नॉर्मल कर रहे थे कि वो तो स्ट्रॉन्ग है तो उनका तो कुछ होना नहीं, अब हम तीनों को निशाना बना लेंगे और मैं भी अपना करूंगा, मैं भी सबको उन पांच को करूंगा, पूजा जी को तो है नहीं और देविका को तो हम जब चाहे तब निकाल देंगे, एक नॉर्मली कन्वर्सेशन चल रही थी। हाँ बल्कि गलती थी कि उन्हें करने नहीं चाहिए था, पर उस पर अभिषेक ने अपनी बिग बॉस से जब उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया तो वहां पे अपना रख दिया कि जी मेरे को पता नहीं था ये और मेरे तरफ से आगे से नहीं होगा। यहाँ पे आकांक्षा जी यहाँ भी अपनी मानती नहीं है
और वो बाद में पीछे भी और जिया भी, जिया तो मतलब कितना, जिया का तो दोगुना चेहरा देखने को मिला है। यहाँ तक कि अभिषेक के सपोर्टर भी जिया को सपोर्ट कर रहे थे, पर आज देखा कि वो मतलब किसी की नहीं है। जो ये जो फिल्म लाइन और या टीवी सीरियल से जुड़े हैं, ये पूजा भट्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि भैया इन्हें चाहिए काम। ये यूट्यूब से तो है नहीं कि अपना करके अपना कर लेंगे, पर इन्हें जरूरत है उस इंडस्ट्री में जाने की। तो ये सब वही लोग जिसे जिसे अब काम चाहिए वो चले गए। वैसे आज पुणे सुपर स्टार की बहुत याद आई, जब अभिषेक को घेर रहे थे, अगर पुनीत भाई होते तो ये दोनों पूरा मजबूती से जो इनका जवाब देते, क्योंकि सब एक हो गए थे कि पूजा जी से कैसे बात कर रहे हैं और ऐसे कैसे कह दिया, ये क्यों कर दिया, और अभिषेक अकेला वो कर रहा था। तो देविका का तो वही साहब, एक तो बॉडी लैंग्वेज भी जब वो जा रही है ऐसे करके, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी, जुबान से भी, वो तो बिल्कुल बेकार। जब अभिषेक कन्फेशन रूम में से बाहर आता है तो एकदम से सब चढ़ने लगते हैं। तो वो कह रहा था कि मेरे को सजा मिल गई, जो मैंने गलत करा, हाँ मैं मानता हूँ मैंने गलत करा, पर मेरे को सजा मिल गई। पर सब बोलने लगे, तो पूजा जी फिर उसके परिवार पे चली गई और परवरिश की बात करने लगी। तो उसने कहा आप अपना देखिए, मैं अपना कर लूंगा। तो एकदम से देविका को होता है कि ओ हमारी टीचर को कैसे कह दिया भैया, है हमारी मम्मी को कैसे कह दिया, वो सब लड़ने आ गए। फिर उधर से नाच भी चिल्लाती हुई आ रही है, मतलब सारे जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सब एक होकर अकेले को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको दुख होगा कि वो अभिषेक बाहर नहीं जाने वाला, आप उसे रोज भी नॉमिनेट कर दीजिए तब भी वो भी बाहर नहीं जाएगा। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, और जो पूजा भट्ट जी तो कह रही थी कि ये नए लड़के होते हैं, नए लोग होते हैं, ये बच्चे इनके फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, मिलियंस हो जाते हैं, तो ये पता नहीं क्या सुनते हैं। और मैडम आपकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, वो उन्हीं के पास जाती है अपना प्रमोशन कराने के लिए फिल्मों का। चलो फिर मनीषा जी, मनीषा रानी मस्त लगती है, तो अच्छी दोस्त भी है, कि जब भी अभिषेक हो या कोई भी जो उसके दोस्त होगा, चाहे वो बाद में किसी लड़ाई भी हो, तब भी वो उसके पास जाकर उसे एक देती है कि साथ रहती है, तो वो अच्छा रहता है। और देव मनीषा जी आज वहाँ बहुत अच्छी लगी, जब उसने देविका को आईना दिखाया। और चलो उस बहाने सही, कम से कम लोगों ने, जो उसकी टीम के लोग थे, उन्होंने देविका को रोकने की कोशिश तो की, नहीं तो कोई उसे देविका कुछ कहता ही नहीं है मनीषा के लिए। चलो फिर मनीषा तो अच्छा रोल है। फिर जेड और ये सब बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी बता रहे थे। तो जेड वो कहता कि ये मुझे को ऐसे कह रही थी पूजा जी, बोली जेड से। तो जेड बोला कि आप तो सबसे ज्यादा जेन्युइन हो, आप तो सबसे ज्यादा लॉजिकल हो घर में। तो भाई ये बात तो जेड ने सही कही, पूजा जी सबसे ज्यादा लॉजिकल है। हाँ तभी पूजा जी ने कल ही आपको भाई फ्रॉड बताया था, तो फ्रॉड हो ही आप। फ्रॉड आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, चापलूसी कर रहे हो, ये जनता बाहर देख रही है। फिर मनीषा और देविका में लोग कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश कर रहे कि चलो जो हो गया हो गया। दोनों ने बात करने की कोशिश करी, पर दोनों में हो नहीं पाया, क्योंकि देविका को झेलना इतना आसान नहीं है। अगर आप उससे थोड़ा या बचने की कोशिश में कि पूजा जी की मेरे से ना बोले, इसलिए उसे अपनी टीम में रखने के लेके चल रहे हैं, या तो ये हो सकता है। तो उसके बाद बस एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि अभिषेक और जिया वापस बात कर रहे थे, तो जिया से को, क्योंकि जिया जो पीछे वाली टीम दूसरी टीम के साथ गई थी, वो अभिषेक के पीछे गई थी, तो अभिषेक को शायद ना पता हो, पर अभिषेक को इससे भी दूरी बनानी चाहिए। वो मनीषा उसकी एक अच्छी दोस्त बन सकती है, पर जिया तो बिल्कुल नहीं। तो जिया के तो चेहरे देख लिए। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल के एपिसोड में।